रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 2 साल का समय होने वाला है, लेकिन ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचने की बजाय और पेचीदा होती जा रही है। इस जंग में जहां यूक्रेन को नाटो देशों से हथियार, गोला बारूद मिल रहा है, जिसकी बदौलत यूक्रेन जंग में टिका हुआ है, और यही कारण है कि अब रूस यूक्रेन के इन्हीं हथियारों को नष्ट कर रहा है। इस कड़ी में पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन का साथ दिया है। मेदवेदेव ने कहा है, रूस यूक्रेन में अधिक क्षेत्र पर कब्जा करेगा। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान, कीव में नाजी शासन के पूर्ण विनाश और रूसी क्षेत्रों के दुश्मन के हाथों से मुक्त होने तक जारी रहेगा। जीत हमारी होगी और अधिक नए क्षेत्र रूस में शामिल होंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में ये दावा किया कि रूस के यूक्रेन में शामिल क्षेत्रों को दोबारा से हासिल किया जाएगा। पुतिन ने कहा, डोनबास और न्यू रूस में अपने साथी नागरिकों की रक्षा करके हम स्वयं रूस की रक्षा कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि और अपनी संप्रभुता, अपने आध्यात्मिक मूल्यों और अपनी एकता के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही 30 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन द्वारा री यूनिफिकेशन डे घोषित किया गया था। रूस वाकई में अब इस जंग को ज्यादा खींचने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से पुतिन ने युद्ध की नीति में बदलाव किया है, उससे ये बात साफ है कि पुतिन बम या हथियार की बजाय यूक्रेन को कमजोर करके उसे झुकाना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वह तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि हर आखिरी रूसी सैनिक को उसके जमीन से बाहर न निकाल दिया जाए। साथ ही पश्चिमी देशों का कहना है कि वह यूक्रेन का साथ रूस को हराने में देना चाहता है, लेकिन भविष्य में इस जंग की जीत का ताज किसके सर सजेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।